जितने आपका सीआरपीसी या भी चलेगी और थोड़ा बहुत तेजी और कल से लग जाएगी आपका, ताकि सिलेबस थोड़ा गत पकड़े तेजी से। और भाई आपको सूचित किया जाता है सबको कि क्लास चलते समय चैटिंग ना करिए, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और इत्यादि बातें ना भेजिए, इससे अन्य लोगों को डिस्टर्ब होता है। डीके सी आर पी सी में हैबिचुअल अफेंडर पढ़ाया जा रहा था, यानी कि आभासिक अपराधी से गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए, नैतिक बने रहने के लिए, सदाचारी बने रहने के लिए प्रत्यारोप की मांग की जाती है। इसमें हमने बताया कि अब रास्ता लुटेरा है, अब रास्ता चोर है, या अब रास्ता आपका व्यापहरण करता है, अपहरण लोगों का करता है, एक शासन या उद्यापन करता है, छल करता है या अरिष्टी करता है इत्यादि। इसके बाद आपका है ये आपका कि अभ्यास ऐसा देखिए ऐसा दुःसाहसिक और भयंकर है कि यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि दुःसाहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकटमय है, यानी कि इतना खतरनाक है कि अगर उसे बिना प्रतिभूति के ही स्वच्छंद छोड़ दिया जाए समाज में, तो समाज संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट शो का नोटिस जारी करेंगे कि 3 वर्ष से अनधिक के लिए क्यों न प्रतिभूति सहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दिया जाए, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रतिभूति सहित। यही एक सेक्शन है जिसमें प्रतिभूति सहित शब्द का उल्लेख है, यानी कि उससे गारंटर या प्रतिभूति या सिक्योरिटी की भी मांग की जाए और 3 वर्ष तक अधिकतम मांगा जा सकता है। अब आइए आपका देखा जाए 111 से लेकर 124, यानी कि ये जो 111 से लेकर और 124 तक का सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्री के लिए बनते हैं, मेंस के लिए कम बनते हैं। फिर भी आपका चूँकि सीबीआई एपी वाले भी लोग पढ़ रहे हैं, बिहार मेंस वाले भी लोग पढ़ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ प्री का क्वेश्चन है उसको भी साथ में थोड़ा थोड़ा बताते रहा जाए कि कैसे इस सेक्शन पर क्वेश्चन बना। ठीक है, अब आपका सभी धाराएं अब इधर जो पढ़े हैं उसको एक साथ हम लेकर चलते हैं और देखिए आपका 106, 107, 108, 109 और 110। हम बता चुके हैं कि जो 106 और 107 में है वह जो परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है और 108 से लेकर 110 तक की जो प्रतिभूति मांगी जाती है वह नैतिक बने रहने के लिए या सदाचारी के लिए, यानी कि कुल 5 कंडीशन में सिक्योरिटी मांगी जा सकती है, प्रतिभूति मांगी जा सकती है, 2 कंडीशन परिशांति के लिए है और 3 कंडीशन सदाचार के लिए। 106 अलग हो जाता है इनसे, क्यों? क्योंकि 106 के तहत जो प्रत्यारोपण की मांग की जाती है वह न्यायालय मांगता है और न्यायालय तब मांगता है जब किसी व्यक्ति को कुछ अपराधों के लिए दोष सिद्ध करता है।
अतः वह न्याय प्रक्रिया का अंग है और दंड आदेश देते समय भी न्यायालय आदेश देता है कि आप प्रत्यारोप दीजिए। 106 का पहलू अलग है। 107 से लेकर 110 तक में जो प्रतिभूति मांगी जाती है, सिक्योरिटी मांगी जाती है, ये इक्विटी मजिस्ट्रेट मांगता है, तो इसके लिए आपका जो सारवान प्रावधान था, सबटेंसी प्रावधान है, वह 106 से लेकर 110 तक में है, लेकिन इसके लिए अब जो प्रोसीजर चलेगा, प्रक्रिया चलेगी, वह 111 से लेकर 124 तक में है, यानी कि 111 से लेकर 124 तक। अब कहाँ से कैसा क्वेश्चन बना है आपका? हो सकता है कि मेंस में कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन भी इधर से आ जाए, तो एक एक करके आपको देखना है। सबसे आइए ये 106 अलग हो गई, 107 से लेकर 110 तक देखा है। आइए धारा 111 प्रॉब्लम देखेंगे, फिर 112, 113, 114 और 115, 116, यानी कि धारा 111, 112, 113, 114, 115 और 116। कहाँ से देखिए धारा 111 आपका? आदेश का दिया जाना, यानी कि चाहे 107 के तहत आदेश दिया जाए, 108 के तहत, 109 के तहत, 110 के तहत, जो शो कार्य नोटिस जारी होती है वह आपका 111 के तहत प्रक्रिया दी गई है कि जारी होगी। तो देखिए क्या बताया गया है, जब कोई मजिस्ट्रेट जो धारा 107, 108, 109 या 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब तो वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, यानी कि कैसी इत्तिला प्राप्त हुई है, सूचना कैसी प्राप्त हुई है, वह मुख्य बात है, उस बंद पत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है, यानी कि कितने का आप बांड भरेंगे, वह रकम लिखेगा और वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा, यानी कि कितनी अवधि तक का बांड भरेंगे, और प्रतिभूतियों की यदि कोई वो संख्या तो वह अपेक्षित संख्या, प्रतिभूति का प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। यानी कि चाहे 107 धारा के तहत आदेश माने प्रतिभूति मांगा जाए, 108 के तहत मांगा जाए, 109 के तहत, 110 के तहत, 111 में प्रक्रिया है कि आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट जारी करेगा, उसमें इत्तिला के साथ यानी कि मुख्य बातों की सूचना, बंद पत्र की रकम, कितने दिनों के लिए बंद पत्र भरेगा व्यक्ति, और प्रतिभूति सहित की रहे, ये सभी बातें उस आदेश में लिखी जाए। 113 आ जाइए, नहीं 112 आ जाइए, न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, यानी कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश निकालता है और जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश निकाला जाता है, यदि वह न्यायालय में उपस्थित है तब क्या किया जाए, तो एक लाइन में, अगर वह न्यायालय में उपस्थित है तो आदेश उसे पढ़कर सुना दिया जाए और समझा दिया जाए, यानी कि न्यायालय में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने ही है, तो आपका तुरंत आदेश को पढ़कर समझा सुना दिया जाए और उसे क्या किया जाए,
समझा दिया जाए। ये धारा 112 यहाँ से भी क्वेश्चन कम बनता है। आइए धारा 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण जो एपीआर नहीं है यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर नहीं। यहाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए आपका एक्ट 113 से भी अर्जेंट मामलों में आपका गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति, इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे हाजिर होने की अपेक्षा करते हुए समन या जब ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है तब जिस अधिकारी की अभिरक्षा में है वह उस अधिकारी को उसे न्यायालय के समक्ष लाने का निर्देश देते हुए वारंट जारी करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर रहा है अगर वह कस्टडी में किसी के नहीं है तो समन जारी करेंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगर वह किसी के कस्टडी में है तो ऐसी दशा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट वारंट जारी करेंगे और जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसा व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप निर्देशित करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर कराया जाए। परंतु क्या प्रोव्यू जो शब्द है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ सतर्क रहना है, यानी कि 113 से आपका प्रोव्यू ही ज़्यादा फ्री में पूछा जाता है। देखिए परंतु जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्य इतला पर यह प्रतीत होता है कि परेशान भंग होने के डर के लिए कारण है और ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परेशान भंग का निवारण नहीं किया जा सकता तो वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट को इतला मिले है और मजिस्ट्रेट को ये विश्वास हो जाए कि पर यह ऐसा व्यक्ति परेशान भंग कर देगा तो ऐसी दशा में अब समन जारी न करके डायरेक्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए और ऐसे व्यक्ति को क्योंकि ऐसे व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक। यानी कि अगर समन जारी किया गया उसमें समय लगेगा तब तक तो ऐसा व्यक्ति परेशान भंग कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला अर्जेंट है और तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे व्यक्ति से आशंका है पूरी कि वह परेशान भंग ही कर देगा तो ऐसी दशा में परेशान भंग को रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट इशू किया जा सकता है ताकि गिरफ्तार कर लिया जाए पहले ही ताकि यह व्यक्ति परेशान भंग न करे। इसके बाद आपका 114 है समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी, यानी कि जब भी समन जारी किया जाए कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा या वारंट जारी किया जाए उसके साथ 111 के तहत जो आपका आदेश दिया गया है आपका उस आदेश की एक प्रति नकल होगी यानी कि उसके साथ दी जाए, यानी कि समन या वारंट के साथ एक प्रति आदेश की संलग्न होगी। ये कौन सी धारा है 114 फिर 115 से ज़्यादा चांस रहता है। वैयक्तिक हाजिरी से
और विमुक्ति देने की शक्ति। आजकल ऐसा भोजन आपका बन रहा है, बिहार एपीओ में भी फ्री में ऐसा बना था, इसको थोड़ा आपका कर सकते हैं कि जब भी 115 पढ़िए, पूरा कंसेप्ट बना कर पढ़ा जाता है, पर सीआरपीसी की धारा 273 पढ़िएगा, फिर इसका अपवाद पढ़िएगा 205, 299, 317 पढ़िएगा और 115। देखिए भाई आपका ऐसा क्वेश्चन आपका फिर बता दिया जाए, फ्री में बन रहा है आजकल, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन सीआरपीसी में बन रहा है, मेंस में ये बन रहा है कि प्रत्येक साक्ष अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, इसकी अपवादों सहित चर्चा करिए या उल्लेख करिए। ये आगे मेंस का मॉडल बताया जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन बने तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 273। सीआरपीसी की धारा 273 में यानी कि 273 में प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धांत समाहित है कि दूसरे पक्षकार को भी सुनो और किसी के पीठ पीछे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, कोई साक्ष नहीं लिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध जो भी एविडेंस लिया जाएगा वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त एपीयर हो या उपस्थित हो, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। चार सेक्शनों में इसका एक्सेप्शन दिया गया है। पहला सेक्शन है 205, जहां की पर्सनल एपियरेंस से न्यायालय छूट दे सकता है। दूसरा सेक्शन है 299 सीआरपीसी, जहां की अभियुक्त फरार हो गया हो और गिरफ्तार होने की जल्दी संभावना न हो। तीसरा सेक्शन है 317, जहाँ की अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में जुडिशियल प्रोसीडिंग में बार बार विघ्न डाल रहा, यानी कि बाधा डाल रहा हो। और चौथा है सेक्शन 115, जहाँ की जिस व्यक्ति से प्रत्याभूत की मांग की जाती है समन या वारंट समन जारी किया जाता है तो न्यायालय यानी कि कार्यपालक मजी के यदि उचित समझे तो उसे व्यक्तिगत हाजिरी से मुक्ति दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने प्लेजर द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने का छूट दे सकते हैं। देखिए आपका 115 चला जाए 115, व्यक्तिगत हाजिरी से अभियुक्त देने की शक्ति यानी कि पर्सनल एपियरेंस से छूट देने की शक्ति। देखिए आपका जहाँ तक पर्सनल एपियरेंस से छूट देने की शक्ति की बात है, कार्यपालक मई के जिस व्यक्ति से आपका प्रत्याभूत की मांग कर रहा है, चाहे परिशांत के लिए या सदाचार के लिए, अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा या आपका प्लीडर द्वारा हाजिर होने की आपका अनुज्ञा दे सके। लीडर बने मुख्य रूप से अधिवक्ता द्वारा या खुद न आइए, अधिवक्ता साहब को भेज दीजिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण धारा है 115 के बाद फ्री के लिए, वह आपका 116 है,
इधर से जो तीन चार धाराएं हैं अच्छे से याद रखना है। 116 के तहत इतिला की सच्चाई के बारे में जांच की जाती है, जैसे कि आपका 107/116, 108/116 कहा जाता है, 109/116 और 110/116। इसका मतलब अगर ये लिखा रहे कार्यपालक मैकेट 107/116 लिखे रहे, इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालक मैकेट ने 100 कार्य नोटिस जारी की है और 100 कार्य नोटिस जारी करके कार्यपालक मैकेट इस बात की इंक्वायरी कर रहा है, जांच कर रहा है कि क्या ऐसे व्यक्ति से परिशांत के लिए प्रत्याभूत की मांग की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। जो इंक्वायरी या जांच होती है दो क्वेश्चन फ्री के लिए जरूरी आती है, जांच कितने महीने में पूरी कर लेनी चाहिए तो समय दिया है 6 माह। फिर एक बार याद रखे CRPC की धारा 116 के तहत पहला जो फ्री का क्वेश्चन बनता है, जांच कितने दिनों में पूरी कर लेनी चाहिए 6 माह में, और जांच में जो एविडेंस लिया जाएगा, जो आपका साक्ष्य लिया जाएगा, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि वह कैसे साक्ष्य लिया जाएगा। तो जो समन मामलों के विचारण में जिस प्रकार साक्ष्य लिया जाता है, याद रखिएगा समन मामलों के विचारण में जिस प्रकार एविडेंस लिया जाता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्ष्य लें। अब समस्या ये आई कि समन मामलों के विचारण में साक्ष लेने की प्रक्रिया का उल्लेख CRPC में कहाँ किया गया है, तो वह किया गया है सेक्शन 274 CRPC की धारा 274 में 274 में समन मामलों के विचारण में कैसे एविडेंस लिया जाएगा इस बात का प्रावधान किया गया। तो फिर एक बार 116 को दो एंगल से पढ़ना है आपका, पहला जांच कितने माह में पूरी होनी चाहिए वह याद रखिए 6 माह में, और जांच में जो एविडेंस लिया जाएगा उसकी प्रोसीजर क्या होगी, तो प्रक्रिया वह होगी जिस प्रकार समन मामलों में साक्ष्य लिया जाता है समन मामलों के विचारण में, तो समन मामलों के विचारण में साक्ष्य लिए जाने का प्रावधान किस धारा में, तो CRPC की धारा 274 धारा 214 116 इतना पढ़िएगा, आइए 117 देखा है। अब जब आपका देखिए कंसेप्ट बनाते हुए चलना है और आपका आगे बढ़ना है, चाहे 107 के तहत कार्यवाही की जाए या 108 के तहत या 109 के तहत या 110 के, आपका समन या वारंट जारी हुआ और 116 के तहत जांच भी हो गई। अब सच्चाई की जांच कर लिए कार्यपालक में के जांच के बाद दो बातें निकलेगी, या तो वह जांच सही होगी या वह जांच में वह तथ्य या बातें गलत पाई जाएंगी, यानी कि दो हो सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने इतिला की सच्चाई की जांच
और वह जो इत्तिला या सूचना उनको मिली थी वह सत्य थी। तो जब सत्य थी तो ऐसी दशा में वन वन सेवन लागू होगी, यानी कि धारा 117 लागू होगी। और अगर सच्चाई की जांच की गई और ऐसी जांच में जो इत्तिला की गलत पाई गई, सत्य नहीं पाई गई, तो सेक्शन 111 लागू होगा। फिर एक बार याद रखिए, 116 में जांच की गई, अगर जांच में आपका सूचना सही पाई गई तो धारा 116 अप्लाई होगी, और अगर जांच में सूचना गलत पाई गई तो धारा 118 अप्लाई होगी। अब देखिए दोनों धाराओं में है क्या। अब आपका 117 में अंतिम आदेश दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए, 107 के तहत प्रत्याभूत मांगी गई, 111 के तहत आदेश दिया गया शोध कार्यों के, 112 हुआ कि स्वयं हाजिर है तब उसी समय सुना दिया जाए आदेश, 113 हाजिर नहीं है तो समन या वारंट जारी होगा। आपका ये 113 114 बताती है कि समन या वारंट के साथ आदेश की एक प्रति भेजी जाएगी। 115 बताती है कि कार्यकारक मजिस्ट्रेट चाहे तो पर्सनल अपीयरेंस से छूट दे सकता है, और इत्तिला की सच्चाई की जांच की सेक्शन में 116 जांच में या तो सूचना सत्य पाई जाएगी या नहीं। अगर जांच में सूचना सत्य पाई गई 117 के तहत अंतिम आदेश दिया जाता है प्रत्याभूत दी, और अगर गलत पाई गई तो कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा 118 में। तो आइए देखा जाए, 107 पर 117 का मतलब ये हुआ कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आपका अंतिम आदेश दे दिया या प्रत्याभूत दी। देखिए आपका 117 क्या बताती है, प्रतिभूत देने का आदेश। देखिए क्या कहा गया है आपका, यदि ऐसी जांच में यह साबित हो जाता है, ऐसी जांच मतलब कि इस सेक्शन के तहत जांच में, तो सेक्शन 116 के तहत, यदि ऐसी जांच में यह प्रूफ हो जाए, सिद्ध हो जाए, साबित हो जाता है कि यथा स्थिति मान जैसी भी स्थिति हो परेशान कायम रखने के लिए, यानी कि धारा 107 या सदाचार बनाए रखने के लिए, यानी कि सेक्शन या तो 108 या 109 या 110 के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में वह जांच की गई है प्रतिभूतियों सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करें, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब अब आदेश देंगे। अंतिम आदेश से कहा जाता है कि अंतिम आदेश दिया गया कि अब प्रतिभूत दीजिए, परंतु यानी कि यह आदेश तीन परंतुओं के अधीन है। देखिए क्या क्या परंतु, किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतम अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट न किया जाएगा, जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट। सेक्शन 111 में
शुभ कार्यों की जारी किया गया और इसके लिए प्रतिभूति मांगी जा रही है, इतने दिनों के लिए मांगी जा रही है, इतनी रकम मांगी जा रही है, ये स्पष्ट रूप से जो कार्य नोटिस में लिखा जाता है। तो जब अंत में 116 के तहत जांच हुई, जांच में इतिला सही पाई गई, 117 के तहत धारा प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया, तो जो आदेश 111 में दिया गया था उस आदेश में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि न तो प्रकृति में परिवर्तन होगा, न ही आपका समय में परिवर्तन होगा और न ही रकम। एक उदाहरण देखिए तीनों पर। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 107 के तहत आदेश दिया था तो 108 के तहत कार्यवाही उस आदेश के तहत अब नहीं कर सकते, उन्हें 107 के तहत ही कार्यवाही करनी होगी। दूसरा, यदि 6 मास के लिए प्रतिभूति मांगी है 111 के तहत आदेश में, तो उसे बढ़ा नहीं सकते। तीसरा, अगर 100 रुपया प्रत्याभूत मांगी बदपत्र मांगा है तो उसको बढ़ा नहीं सकते, यानी 150-200 रुपया करने का हक नहीं। दूसरा देखिए, इसमें प्रत्येक बदपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखते हुए नियत की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी, यानी कि कितनी रकम का बांड भरवाया जाए ये मामले की कंडीशन को देखते हुए कार्यपालक मुख्य निर्धारित करेगा और यह रकम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा का देखिए, जब वह व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है अगर माइनर है तो बंद पत्र केवल उसके प्रतिभूतियों द्वारा निष्पादित किया जाएगा, यानी कि अगर 18 वर्ष से कम का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपका 107, 108, 109 या 110 के तहत कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे माइनर से बांड नहीं भरवाया जाएगा। तो बांड किसके द्वारा भरवाया जाएगा? केवल और केवल उसके गारंटरों द्वारा, यानी कि केवल और केवल उसके सीओपी द्वारा, प्रतिभूतियों द्वारा। आइए 118 बता ही दी गई है। 118 यदि 116 में जांच की गई और जांच में इतिला जो थी गलत पाई गई, तो ऐसी दशा में कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा और समाप्त करते हुए अगर ऐसा व्यक्ति कारावास में है तो उसे छोड़ने का आदेश दिया जाए। अब 119 देखिए, 119 से क्वेश्चन आपका बनता है, जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ, यानी कि वह अवधि या टाइम कब से चलना प्रारंभ होगा। तो आइए अवधि देखा जाए और अवधि में आइए देखा जाए। देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 106 के तहत अधिकतम 3 साल के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है, 107 के तहत 1 साल के लिए, 108 के तहत 1 साल, 109 के तहत 1 साल और 110 के तहत आपका 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 कंडीशन में 1 वर्ष के लिए और 2 कंडीशन में 3 वर्ष के लिए, ये सतर्क करना। अब ये जो प्रत्याभूति मांगी गई है ये कब से चलना प्रारंभ होगी, यानी कि कब से ऐसा व्यक्ति परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचारी बने रहने के लिए बाध्य होगा, तो वह उस टाइम का उल्लेख या उस समय का उल्लेख सेक्शन 119 में किया गया। देखिए
क्या करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में प्रतिपूर्ति अपेक्षा करने वाला आदेश या तो सेक्शन 106 के तहत दिया गया या 117 के तहत, 106 अलग मैं बताया था, 117 अलग, 117 इन सेक्शनों के लिए लागू होगा, 107 से लेकर 110 तक के। यानी जो कार्यपालक मई के कार्यवाही करेंगे तो प्रत्याभूति मांग का अंतिम आदेश की धारा में देते हैं 107। अगला देखिए, यदि कोई व्यक्ति इसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया है, ऐसा आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडाधिक है या दंडादेश भुगत रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए ऐसी प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है दंडादेश के अवसान पर प्रारंभ हो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 106 या 117 के द्वारा प्रतिभूति की मांग की गई और जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभूति की मांग की गई, अगर वह व्यक्ति उस समय जेल में, तो जेल से छूटने के बाद ये समय प्रारंभ हो, यानी कि जेल से जब छूटेगा तब जो समय दिया गया है इतने समय तक वह परिशांत या सदाचारी बने रहे, तो समय कब प्रारंभ होगा। पहला नियम आया, जब वह कारागार में है तो कारागार से छूटने के बाद। दूसरा देखिए, अन्य दशाओं में ऐसी अवधि ऐसे आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी जब तक कि मजी के पर्याप्त कारण से कोई बाद की तारीख न दे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति से प्रत्याभूति की मांग की गई, अगर वह जेल में नहीं है तो जिस तारीख को 106 के तहत या 117 के तहत आदेश दिया गया उसी तारीख से यह समय चलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो कोई बात की तारीख दे सकता। इसका मतलब फिर समझिए, खंड दो, यानी कि धारा 106 या 107 के तहत जिस व्यक्ति से प्रतिभूति की मांग की गई है, अगर वह व्यक्ति कारागार में नहीं है तो सामान्यतः जिस तारीख को आपका आदेश दिया गया है प्रतिभूति का, उसी तारीख से ये समय चलना प्रारंभ हो जाए, लेकिन जब तक कि बाद की कोई तारीख न दी गई हो। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट चाहे तो बाद की कोई तारीख दे सकता है कि इस तारीख से ये समय चले, नहीं दिया है तो कब से चलेगा, जिस तारीख को क्या दिया गया है। 120 से भी क्वेश्चन काफी बनता है। बंद पत्र की अंतर वस्तु कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड, बंद पत्र की अंतर वस्तु, जब कोई व्यक्ति बंद पत्र भर दिया तो वह बाध्य हो जाता है, आबद्ध हो जाता है कि परेशान उतने दिनों तक कायम रखे या सदाचारी बने रहे जिसके लिए बांध भरा गया, और अगर उस समय के अंदर वह कोई ऐसा अपराध करता है या अपराध करने का दुष्प्रेरण करता है जिसमें कारावास का दंड हो, तो ये बंद पत्र का भंग माना जाएगा
यानी कि ये माना जाएगा कि बांट को इसने ब्रीच कर दिया है, काम किया। फिर एक बार देखिए कंटेंट्स, आप बांट बंद पत्र की अंतर वस्तु। फिर एक बार समझिए, जिस व्यक्ति ने बंद पत्र भर दिया, जितने अवधि के लिए चाहे परिशांत कायम रखने या सदाचारी बने रहने के लिए वह बांध भरा है, अब कानून द्वारा वह बाध्य हो गया, बाउंड हो गया, आबद्ध हो गया कि वह उतने दिनों तक या तो परिशांति या सदाचार बनाए रहे। यदि ऐसा व्यक्ति उस समय के अंदर सतर्क रहना, जितने दिनों के लिए क्या बना है मान, उस समय के अंदर कारावास से दंडनीय कोई अपराध या तो करता है या उसको करने का दुष्प्रेरण करता है, दोनों याद रखे, या करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है या करने का प्रयास या प्रयत्न करता है तो ये बंद पत्र का भंग माना जाए, और बंद पत्र का जो भंग होगा वह दुखदायी होगा। दुखदायी इसलिए होगा कि अगली धाराओं में जितने दिनों के लिए अब बंद पत्र का जो समय बचा रहेगा, अब उतने दिनों के लिए वह कारागार भेजा जाए। देखिए इसमें आपका सतर्क रहना फ्री के लिए। अब अगर ऐसा अपराध करता है जिसमें केवल जुर्माने का दंड, सतर्क रहना है, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है जिसमें केवल जुर्माने का दंड हो तो ये बंद पत्र का भंग यानी कि ब्रीच ऑफ बॉन्ड नहीं माना जाए। तो कब ये माना जाएगा कि उसने बांड का वायलेशन किया, ब्रीच किया, जब उस दौरान वह अपराध किया हो, कैसा अपराध किया हो जिसमें उसे कैसा दंड मिल सकता हो, कारा हो। ये हो सकता है कि फ्री में आ जाए कि जुर्माने से केवल दंडनीय अपराध को करना या करने का प्रयत्न करना या करने का दुष्प्रेरण करना इस धारा के तहत नहीं आए। आइए इसके बाद 121 प्रतिभूम को अस्वीकार करने की शक्ति, इसके बाद आपका 122 पढ़ा जाता है, प्रतिभूम देने में व्यतिक्रम होने पर कारा। दो तीन नियम बना लेना है पहले यहाँ। अगर सिक्योरिटी मांगी गई और सिक्योरिटी देने में व्यक्ति डिफॉल्ट कर गया तो उसे इम्प्रिजमेंट होगा, कारावास का दंड दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है और 122 से कई बार क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में और प्री में बना, इसको अच्छे से तैयार रखना है। सामान्य नियम देखिए, सामान्य नियम ये है कि अधिकतम कारावास कितना हो सकता है, तो अगर सबको मिलाकर पूछे तो आप 3 वर्ष मानिए। क्यों 3 वर्ष? क्योंकि धारा 106 और 110 के तहत कितने वर्ष के लिए प्रतिभूति अधिकतम मांगी जा सकती है, 3 वर्ष के लिए, और अगर वह प्रतिभूति नहीं दिया तो अधिकतम कितने दिन तक के लिए प्रतिभूति देने में विफल रहने पर उसे जेल भेजा जा सकता है, 3 साल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सेक्शन घुमा कर पूछे, देखिए 107 106 में पूछे अलग से तो 3 साल अधिकतम, 107 में पूछे तो 1 साल, 108 में पूछे तो 1 साल, 109 में पूछे तो 1 साल,
और 110 में पूछे तो ठीक, लेकिन सामान्य क्वेश्चन पूछे यानी कि सबको मिलाकर पूछ रहा है, तो सबको मिलाकर मतलब कि दो धाराओं में तो अधिकतम 3 साल तक हो ही सकता है। तो इसको कल आपका डिटेल में बताया जाएगा अगले लेक्चर में, क्योंकि टेक्निकल है काफ़ी।